तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैबलू के अंदर में खुद की कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करेंगे। हमने एक डेटा कनेक्ट किया हुआ है, जो पिछले वीडियो में बताया था, हमने डेटा वन से हमने शीट वन को कनेक्ट किया और शीट वन के ऊपर देखिए इस तरह के सारे डेटा है, जिसमें हमारे पास आईडी है, यहाँ पे सारे कॉलम लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या कॉलम लिस्ट है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखिए टाइप है फिल नेम, यहाँ पे फिल नेम है, फिल नेम में आईडी है, डेट है, नेम है, सिटी है, एरिया है, क्वांटिटी एमआरपी है। अब इसमें अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि 84 क्वांटिटी 20 रुपीज में नहीं बिका है, 20 रुपीज के हिसाब से बिका है, मैंने पर रुपीज पर पीस 20 रुपीज में बिका है। तो मुझे यहाँ पे इसका अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कैसे क्रिएट करें? तो कुछ नहीं करिए, इसमें जब इस पर क्लिक, जब इस पर कर्सर ले जाएंगे, इस तरह का एरो का निशान आएगा किसी फील्ड पे जिसके बाद आप करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएटेड कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि मुझे चाहिए अमाउंट और एमआरपी ऑटोमेटिक आ चुका है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वांटिटी हमें टाइप कर देना है, देन अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना भी तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे जीएसटी निकालना है तो मैंने यहाँ पे जीएसटी कर दिया और अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैंने अमाउंट पे कैलकुलेट फील्ड किया था और हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 18% किया। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कंटेन एरर आया क्योंकि परसेंट का सिंबल नहीं लेता है, तो यहाँ पे आपको 18/100 या फिर 0.18 कर दीजिएगा तो आपका देखिए कैलकुलेशन वैलिड और अप्लाई करते ही यहाँ पे जीएसटी का आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेटर फील्ड आप ऐड कर सकते हैं, इसमें फंक्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो फंक्शन वगैरह ऐड करना हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी और हमारे साथ लाइव जूम क्लासेस ले सकते हैं, 1-to-1 वो भी इंटरेक्टिव 1-to-1। डिटेल्स मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू।